और ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज यूपी जी और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ। दोस्तों हम स्टेशन पर पहुँच गए हैं और जल्दी से चलते हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30 और हम आज जा रहे हैं बनारस। हमारा पेपर है तो BHU में, तो हम आज बनारस जा रहे हैं। तो अब 5:30 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता कर चुके हैं, उसके बाद दिखाते हैं आज का सफ़र। तो निकलते हैं अब, और 5:30 बज गया है, बस स्टैंड से पे जाना है अभी, तो वहाँ से चलते हैं। अब जा रहे हैं बस स्टैंड, तो देखते हैं बस कितने बजे आती है। अभी पता नहीं बनारस की बस कितने बजे आती है, तो चलते हैं। और नाश्ता तो हमने कर लिया था, क्योंकि मम्मी 4 बजे नाश्ता बना दी थी और थोड़ा ठंडा था, तो मम्मी ने हमें जैकेट दे दिया और हमने जैकेट पहन लिया। अच्छा किया। बस स्टैंड पर आ चुके हैं, अभी बस आई नहीं है, वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक आएगी। तो बस में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बैठ क्या खड़े हुए हैं, और बहुत भीड़ है, देखिए। चलते हैं, तो वाराणसी में पहुंच चुके हैं और हम बस से उतर चुके हैं। तो अब चलते हैं BHU गेट पे, क्योंकि हमारा BHU में सेंटर है, तो चलते हैं। और हमारे पीछे ये हाईवे है और ऊपर, तो देखते रहिए। और जा रहे हैं, और इधर वाराणसी कैंट है। आइए लंका बेचू, सिगरा रवि अतला लंका, बस स्टैंड है। आइए लंका बेचू, लंका अन्ना तो लंका बेचू, लंका बेचू, आइए लंका बेचू, आइए लंका बेचू, सिगरा रवि अतला वाराणसी कैंट। आइए लंका बेचू, ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज योगी जी और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ, रैली है उनकी, बहुत ज़्यादा जाम है, देखिए। तो हम आ गए हैं BHU गेट, ये रहा सामने BHU गेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर आ रहे हैं, ये रहा काशी विश्वविद्यालय, और यहाँ पर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और हम जब यहाँ 4 साल पहले पढ़ाई करते थे, तो इतना साफ सफाई और इतना डेवलप्ड वाराणसी नहीं था, लेकिन हम आज देख रहे हैं एकदम, मतलब बदल गया है यहाँ का पूरा सिस्टम, और साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के CM। तो हम अपना कॉलेज ढूंढ रहे हैं, हमारा साइकोलॉजी सोशल साइंस में एग्ज़ाम है, सोशल साइंस के कॉलेज में एग्ज़ाम है, तो हम जा रहे हैं। देखिए ये है BHU के अंदर का नज़ारा, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा व्यू यहाँ का आता था। हम पहले भी यहाँ थे तो इतनी साफ़ सफाई नहीं थी, ये रहा। Turn left. चलते चलते
अब जाके मिला वो हमारा इसमें से है TS1 और ये रहा TS1 15204 रूम। तो चलते हैं एग्ज़ाम हॉल की तरफ। तो हमारा 204 202 ये है हमारा डिपार्टमेंट और वहाँ पे बैठकर हम पेपर देंगे। हमारा सीट यहाँ पर है। तो हम अपना मोबाइल जमा करते हैं और बैग को भी, और उसके बाद अब 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। तो 1:30 हो रहे हैं, तो अब बस मिलते हैं आपसे 5 बजे, चलते हैं पेपर देने। 3 hours later हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है और पेपर अच्छा हुआ, तो अब चल रहे हैं, देखते हैं ट्रेन मिलता है या बस कुछ मिले तो घर चलें। तो ये हम देखते हैं। दोस्तों हमने अभी नेट पे चेक किया था वेयर इज़ माई ट्रेन पे, वो एक ट्रेन दिखा रहा है अभी लेट है, वो शायद आधे घंटे में वाराणसी पहुंच जाएगी। तो हम जल्दी से चलते हैं, देखते हैं अगर पा जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रात में 11 बजे ट्रेन है, तो जल्दी से चलते हैं। गेट पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं कोई टैक्सी मिल जाए जल्दी से पहुंचा दे। तो अब यहाँ पर RTF वाले लगे हुए हैं और देखिए कितनी भीड़ है, और यहाँ पर मोदी जी आएंगे, देखिए कैंट कैंट, तो ये कितनी भीड़ है। तो दोस्तों हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं और जल्दी से चलते हैं, सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं ट्रेन छूटने में। तो ये है वाराणसी स्टेशन, चलते हैं पहले। ट्रेन यही है, छूटने ही वाली है। तो दौड़ते दौड़ते पहुँचे हैं स्टेशन पे और ट्रेन में तो आ चुके हैं, तो बैठ चुके हैं, अब बैठ चुके हैं क्योंकि अगर ये छूट जाता तो 10:30-11 बजे ट्रेन थी, तो उसको पकड़ना पड़ता, हालत खराब हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। तो ट्रेन चल दिया है, टाइम हो रहा है 5:45 और ट्रेन छूट चुकी है, चलते हैं। 3 hours later नए स्टेशन पर आ चुके हैं, ये है अकबर स्टेशन, चलते हैं। धीमा हुआ है, उसके बाद चलते हैं। मालिकपुर उतरना था लेकिन मालिकपुर का स्टॉपेज नहीं था, तो अकबर पर आगे उतरे हैं, तो यहाँ से चले जाएंगे, चलते हैं। धीमा हो रहा है। तो हम उतर चुके हैं स्टेशन पे और अभी हम जाएंगे यहाँ से, साई प्लाजा होटल है वहाँ पे हमारे पापा आ रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम घर
पर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा नींद भी लग रहा है। तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर अब वीडियो कॉल एडिट करेंगे, क्योंकि एकदम सर दर्द कर रहा है और पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो आज बीएचयू के मेन गेट पर मोदी जी और योगी जी आए हुए थे, और ममता बनर्जी भी, उनका शो 2 बजे था, वो भी आई हुई थी। फिर ये प्रियंका गांधी भी आई हुई थी, और अखिलेश यादव रात को 10 बजे उनका रोड शो था। तो आज बनारस में पूरे राजनीति के लोग आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और जाम बहुत ज़्यादा लगे थे। तो कैसे भी करके ट्रेन मिल गया, तो अब पहुँच गए हैं घर पर। तो बस अब चलते हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड डे। Can we talk about, can we talk about me and you?